पहली पहली गेंद और पहला चौका यहाँ पे ट्वेल्थ मैन फॉर पॉइल्स मस्सोयो पदपेंडलन ट्वेल्थ मैन सिंगल रन इसी के साथ स्कोर पहुंचा 5 रन पे पहला ओवर इन प्रोग्रेस सागर हरपाल हिल्स का कप्तान गेंदबाजी की कमान संभालते हुए स्ट्राइक पे अभी है उदय बल्लेबाज उनके ऑपोजिट है सचिन कप्तान जो भी है शांतु स्मैशेस के अगली गेंद एलबी के लिए काफी जोरदार अपील वहां पे सागर की कोई असर नहीं एम्पायर पे वहां पे नॉट आउट करार कर दिया डॉट गेंद इसी के साथ अच्छी पहली ओवर यहां पे करते हुए ओ पिच गेंद यहां पे उठा के दे मारा 6 रन के लिए अपना खाता खोलते हुए वहां पे उदय 6 रन काफी बढ़िया शॉट यहां पे उदय के बल्ले से निकलता हुआ अगली गेंद इसी के साथ पहला झटका उदय पहली गेंद पे छक्का लगाया और अगली गेंद पे आउट होके यहां पे पवेलियन लौट रहे हैं ग्यारह रन हुए यहां पे अगले बल्लेबाज सचिन को ज्वाइन करने के लिए आए हैं अनिल पहली ओवर 11 रन यहां पे थोड़े महंगे साबित हुए थे लेकिन अच्छा झटका दिया वहां पे उदय जिन्होंने छक्का लगाया था उनको पवेलियन लौटा दिया वहां पे सागर ने अगली ओवर लेके आ रहे हैं बाली बल्लेबाज है सामने सचिन रोमांचक मुकाबला हो रहा है यहां पे हरपुर हिल्स वर्सेस द शांतादुर्गा स्मैशर्स पहली डॉट गेंद बाली टीम ओनर सनी शांतादुर्गा स्मैशर्स के उनके खुद के मामा उनके टीम के ऑपोजिट से खेल रहे हैं बाली अगली गेंद शॉर्ट बॉल यहां पे उठा के मारना चाहते थे तीनों फील्डर के बीच में केवल एक रन कैच का मौका बनता था अगर अच्छी पहली ट्राई करते थे केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पे इसी के साथ स्कोर 12 रन हो गए बोर्ड पे
नए बल्लेबाज अनिल है स्ट्राइक पे, पहली गेंद बाली, फील्डिंग में तब्दीली करते हुए उनकी प्लानिंग से गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका वीक जोन पता है शायद उनको, अगली गेंद लेके आ रहे हैं। और एक डॉट गेंद, कोई मौका नहीं दिया अगले पल ने तीन गेंदों में, यहां पे बाली ने हाथ खोलने का, डॉट गेंद, स्कोर केवल अभी तक 12 पे पहुंचा है, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। ऑफिस और क्लीन बोल्ड, दूसरा झटका यहां पे कलंगुट स्मैशर्स को लगते हुए, क्लीन बोल कर दिया बाली ने, अनिल आउट होके पहले लौट रहे, खुश लग रही है यहां पे आरपर हिल्स की टीम। अगले बल्लेबाज आ रहे हैं अनिल के आउट होने पे, प्रहास जिनको हम प्यार से नौड़ी बुलाते हैं, सचिन का साथ देने के लिए आ रहे, कप्तान का साथ देने के लिए प्रहास। काफी एक्सपीरियंस है उनको अपने होम ग्राउंड पे खेलने का, यही ग्राउंड पे उन्होंने काफी लंबे लंबे छक्के लगाए हैं, इसी के कारण आज उनका प्रमोशन हुआ है, फोर्थ यहाँ पे आए हैं सचिन का साथ देने के लिए। गेंदबाज लेकिन काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है, तजुर्बे वाला गेंदबाज जैसे बोलते हैं, बाली क्लीन बोल्ड किया था अनिल को, सामने अभी प्रहास, फैलाइए फील्डिंग यहाँ पे, उनको पता है लंबे छक्के वाले बैट्समैन है। क्या बताऊं इस गेंद का आपके, कोई मौका ही नहीं दे रहे, शॉर्ट गेंद स्क्वायर कट कर दिया एज लग के थर्ड मैन की दिशा में, कोई रन नहीं वहां पे, एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया बाली ने, एक विकेट आउट करके केवल एक रन दिया वो अपनी दूसरे ओवर में, अच्छा कम बैक वहां पे हरपर हिल्स का। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन हुए बोर्ड पे, दो विकेट के नुकसान पे, क्या अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहां पे हरपर हिल्स, जो पिच में जो नमी थी उसका पूरा फायदा उठाया, स्विंग कर दिया गेंद को और दो छटके यहां पे। अगले गेंदबाज आ रहे हैं अगले गेंदबाज हरपर हिल्स की तरफ से है भावेश, सामने है कप्तान सचिन, केवल अपने पहले दौर में 12 रन यहां पे बना पाए हैं, थर्ड ओवर 9 सेकंड पे है प्रहास, काफी जोर से अपील यहां पे भावेश का एलबी के लिए, नट आउट करार करते हुए एम्पायर और डॉट गेंद, फुल टॉस गेंद और एक डॉट गेंद भावेश की, फुल टॉस गेंद थी वहां पे सचिन को, कोई फायदा नहीं उठा पाए, डॉट गेंद।
हेलो जीवन दान मिलते हो वहां पे सचिन को। डॉट गेन लॉन्ग ऑफ पे हमारे काफी एक्सपीरियंस प्लेयर सर्वेश सारू जिनको बोलते हैं काफी नाखुश थे फील्डिंग एफर्ट देख के। अच्छी गेंदबाजी की थी अभी तक भविष ने। एक कैच यहां पे महंगा पड़ सकता है जैसे कि पिछले मैच में कुमार ने दिखाया था। अगली गेंद वो पिच गेंद और एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में गैप में खेला यहां पे काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे बाउंड्री पे। क्या फील्डिंग का मुजहरा यहां पे सागर ने दो रन रुक गए अपने यहां पे टीम के लिए। शेयर अप करते हुए सारू उनको अगली गेंद भावेश की और एक डॉट गेंद इसी के साथ तीन ओवर के समाप्ति के बाद 18 रन 6 रन प्रति ओवर यहां पे खेल रहे हैं। अगर शांतनु का स्पेशल को जीतना है तो केवल 10 रन का यहां पे तो 10 रन प्रति ओवर तो टारगेट सेट करना पड़ेगा यहां पे। अगले तीन ओवर में आतिशी पारी खेलनी पड़ेगी यहां पे कप्तान सचिन को और नॉन स्ट्राइक एंड पे जो बल्लेबाज है अंडर 19 प्रहास उभरते खिलाड़ी है प्रहास उनको अंडर 19 पे सेलेक्ट किया था संतोलगा स्मैशर्स के टीम ओनर सनी ने। ये पावर प्ले ओवर सुपर ओवर यहां पे ये ओवर की खासियत है कि सारे के सारे प्लेयर 30 गज अंदर रहेंगे इनर सर्कल के अंदर रहेंगे सारे फील्डर्स तो ये बिल्कुल मौका बनता है यहां पे सभी प्लेयरों को बल्लेबाजों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए मैक्सिमम रन बनाने के लिए। बल्ले गेंदबाज है कप्तान खुद आए सुपर ओवर संभालने के लिए सागर बल्लेबाज है प्रहास नष्ट गेंद पे है कप्तान सचिन रोमांचक ओवर होने वाला है। क्या गेंद कोई मौका नहीं दिया वहां पे सागर ने कोई मौका नहीं दिया हाथ खोलने का वहां पे प्रहास को। अगली गेंद लेके आ रहे हैं सागर शॉर्ट बॉल यहां पे प्रहास ने उठाया स्क्वायर कट कराया था केवल एक रन हनुमान के हाथ में अच्छी फील्डिंग वहां पे हनुमान की। उन्नीस रन फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस सागर गेंदबाजी की कमान संभालते हुए कप्तान अभी कप्तान टू कप्तान यहां पे ऐसे रोमांचक मुकाबला थोड़े स्टेप्स बढ़ के वहां पे सागर रेडी नहीं थे बल्लेबाज सचिन फुल टॉस गेंद उसका पूरा फायदा यहां पे सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन पहला छक्का लगता हुआ सचिन के बल्ले से जैसे कि उनको जीवन दान मिला था उसी का पूरा फायदा यहां पे उठाया उन्होंने 6 रन के लिए गेंद। इसी के साथ 25 रन हुए बोर्ड पे फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस सुपर क्रू ओवर उसी का पूरा फायदा यहां पे उठा रहे हैं बल्लेबाज। सुपर क्रू डिग्नेटरी और एक बार वही गेंद और वही रिजल्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। जैसे कि मैं बोल रहा था कि कैचेस महंगे हैं यहां पे कैचेस महंगे पड़ रहे हैं उसी का पूरा फायदा 6 रन के लिए। सुपर ग्रू डिग्नेटरीज डॉक्टर आदित्य केरकर आए हैं यहां पे फॉर एनी डेंटल नीड्स यू कैन कॉन्टेक्ट हिम।
और एक ओवर पिच गेंद और एक बार उठाया यहाँ पे सीधे भावेश कैच में और आउट कप्तान। अच्छा कम बैक किया वहां पे सागर ने और उसी तरह कप्तान को भी पवेलियन लौटा दिया। इसी के साथ सचिन आउट। थोड़े नाखुश लग रहे थे जब दो छक्के गए थे लेकिन उसी तरह कम बैक किया वहां पे सागर ने। इसी के साथ 31-3 कलंगुट स्मैशर्स। अगले बल्लेबाज आए हैं परेश। यॉर्क वहां पे सागर का कोई मौका नहीं नोडी को हाथ खोलने के लिए। डॉट गेंद। इसी के साथ 4 ओवर के समाप्ति के बाद 31 runs 31 for 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स फॉर कलंगुट स्मैशर्स। आठ रन प्रति ओवर यहां पे खेल रहे हैं कलंगुट स्मैशर्स की टीम। परेश जो कि बल्लेबाज है स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइक एंड पे है नोडी। गेंदबाजी की कमान संभाल रहे हैं यहां पे। गेंदबाजी की कमान संभालने के आए नंदन। बल्लेबाज है परेश। नॉन स्ट्राइक गेंद पे है प्रहास जो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। प्रहास अभी तक उनका बल्ला चला नहीं आज के मैच में। कप्तान सचिन दो छक्के लगा के आउट हो चुके हैं। पवेलियन है बल्लेबाज प्रवेश अभी उनके ऊपर पूरा दारोमदार है। परेश आउट यहां पे पहली गेंद पे कॉट आउट। मानो ते कैमरामैन अपना भूल गया तेंका मशीन नंदन ने उनको चकमा दे दिया। इसी के साथ अगले बल्लेबाज आए हैं अवित। पिछले मैच में दो छक्के लगाए थे अवित ने वो उसी मैच का प्रदर्शन यहां पे कंटिन्यू करना चाहेंगे। इसी मैच में उनके ऊपर पूरा दारोमदार है स्कोर बढ़ाने के लिए अवित को। नंदन लेफ्ट हैंड गेंदबाज से नंदन चतुराई से खेला अवित ने कवर्स की दिशा में केवल एक रन के लिए और स्ट्राइक दे दिया प्रहास को। और एक बार यहां पे प्रहास उठा के मारना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में केवल एक रन। थर्टी 33 runs यहां पे बोर्ड पे फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस और विथ स्ट्राइक पे
डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट माने जाते हैं वहां पे नंदन, और उसी पे खरे उतर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे अभी तक अविद को। दो गेंदे यहाँ पे की, दो गेंदे डॉट, कोई मौका नहीं हाथ खोलने का। अगली गेंद लेके नंदन, वो पिच गेंद उठा के मारा यहाँ पे अविद ने, वो पिच गेंद का उसका पूरा फायदा उठाया 6 रन के लिए। पांच ओवर में 39 रन्स हुए यहाँ पे। शांतादुर्गा कलांगुट स्मैशर्स, आफ्टर दिस गेम 15 मिनट्स ब्रेक फॉर लंच एंड नेक्स्ट मैच विल बी प्लेड बिटवीन समलेश्वर पैंथर वर्सेस द कलांगुट स्टार हिटर्स। इमेज जान 15 मिनटाचा ब्रेक मगर समलेश्वर पैंथर्स वर्सेस द कलांगुट स्टार हिटर्स। लास्ट ओवर हनुमान बैट्समैन प्रहास, स्ट्रॉन्ग फिनिश करना पड़ेगा यहाँ पे शांतादुर्गा स्मैशर्स को अगर कोई कमबैक करना चाहते हैं और रन की गति बढ़ाना चाहते हैं तो। लास्ट ओवर है, आखिरी मौका है यहाँ पे। प्रहास बल्लेबाज, हनुमान गेंदबाज, काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है हनुमान, काफी साल से क्रिकेट खेलते आए हैं। वो पिच गेंद जैसा कि था, नॉडी को एक रन निकाल के अविद को स्ट्राइक देने का, वही कर दिया नॉडी ने, एक रन। अविद है बल्लेबाज स्ट्राइक पे, अभी पूरा दारोमदार स्कोर बढ़ाने का उनके ऊपर है। शॉर्ट बॉल, अविद ने घुमा दिया यहां पे, स्क्वायर लेग मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। जैसे कि मैंने कहा था, नॉडी ने स्ट्राइक दिया वहां पे अविद को, और अविद ने पहली गेंद पे यहां पे 6 रन को लगाया हनुमान को। काफी अच्छी बल्लेबाजी, स्ट्रॉन्ग फिनिश करना चाह रहे हैं यहां पे। 46 रन हुए यहां पे, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। जो फॉर्म पिछले मैच में थे वही फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं वहां पे अविद। वो पिच गेंद और एक बार उठा के मारना चाहते थे, डॉट गेंद, कोई मौका नहीं दिया वहां पे। शॉट गेंद और एक बार 6 रन के लिए, बाउंड्री के बाहर परेश ने कैच पकड़ा, स्ट्रॉन्ग फिनिश कर रहे हैं यहां पे शांतादुर्गा स्मैशर्स। अविद शराब कर रहे हैं यहां पे खुद, हनुमान नाखुश रहेंगे, अपने दो लूज गेंदे फेंकी, दोनों गेंदों पे यहां पे 6 रन यहां पे अविद के बल्ले से। अगली गेंद लेके आ रहे हैं हनुमान, वो पिच गेंद, रन्स ने लिया वहां पे अविद ने, शायद आखिरी गेंद खुद फेस करना चाहेंगे वहां पे अपनी टीम के लिए, स्कोर ज्यादा बनाने के लिए। ओ पिच सीधे सागर के हाथ में, इसी के साथ अविद आउट 6 ओवर की समाप्ति के बाद। यहां पे कलांगुट शांतादुर्गा स्मैशर्स ने 52 रन निकाले हैं, 53 रन चाहिए जीतने के लिए अपने निर्धारित 6 ओवरों में यहां पे आरपोर हिल्स के लिए।
9 रन प्रति ओवर यहां पे चाहिए जीतने के लिए आरपोरा हिल्स को अपने 6 ओवर में। जैसे कि टारगेट सेट किया था उस तरह पे नहीं पहुंचे वहां पे शानदुर्गा स्मैशर्स, फिर भी फाइटिंग टारगेट दिया उन्होंने, 53 रन चाहिए जीतने के लिए। गेंदबाजी में काफी स्ट्रांग है सनी कांदोलकर की टीम, कप्तान सचिन प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाते हुए, उसी तरह परेश जोफी स्ट्राइक बॉलर। कप्तान सागर चतुराई से खेल रहे सिंगल सिंगल, सुपर क्रूवर का भी यहाँ पे लगता है यहाँ पे जल्दी मैच फिनिश करने का सोच रहे हैं यहाँ पे कप्तान सागर और दुर्गा। सुपर क्रूवर का भी यहाँ पे इशारा किया एम्पायर ने, इसी बीच इस ओवर में यही फायदा रहेगा कि सारे फील्डर इनर सर्कल के अंदर रहेंगे तो पूरा मौका बनेगा वहां पे बल्लेबाजी के स्कोर करने के लिए। सागर स्ट्राइक पे कप्तान सचिन ने गेंदबाजी की कमान संभाली है यहाँ पे सुपर क्रूवर में। सुपर क्रूवर सेकेंड ओवर, सुपर क्रूवर इन प्रोग्रेस। लेग स्टंप के काफी भारी है गेंद, इसी के साथ एक अतिरिक्त रन मिलता है वहां पे लाइन से पूरे। अगले बल्लेबाज आए सिद्धेश, सामने है परेश, 33 रन बोर्ड पे हुए हैं। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। वो पिच गेंद लंबी अपील वहां पे कप्तान एलबी के लिए लंबी अपील की थी वहां पे कप्तान सचिन ने, कोई असर नहीं था एम्पायर पे, नॉट आउट करार कर दिया। यहां पे जैसे लग रहा था कि लेग स्टंप की काफी भार गिरी थी गेंद आउटसाइड इंपैक्ट आउटसाइड लेग शायद रह सकते इसलिए नॉट आउट करार कर दिया था। अगली गेंद लेके आए परेश, पैक्ड ओवर यहां पे परेश की, केवल एक रन दिया अपने तीसरे ओवर में और एक विकेट हर्षद का आउट करके पवेलियन लौटा दिया था वहां पे परेश ने। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन हुए बोर्ड पे और केवल 18 गेंदों में 20 रन की जरूरत यहां पे जीतने के लिए आरपोरा हिल्स को, 18 गेंदों में 20 रन की जरूरत। रोमांचक हो रहा है अभी तक यहां पे मुकाबला परेश के इस काफी किफायती ओवर्स के कारण। चौथी ओवर की अगले गेंदबाज अनिल, अनिल गेंदबाज बल्लेबाज है दुर्गा। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, 18 गेंदों में 20 रन की जरूरत यहां पे। फुल हाउस बोर्ड का वाड़ा रोमांचक मुकाबला देख रहा है यहां पे। क्लीन बोल्ड, इसी के साथ पहली गेंद पे दुर्गा आउट।
बोल रहा था मैं कि काफी रोमांचक मुकाबला हो रहा है, उसी पे खड़े उतर रहे यहाँ पे अर्पणा हिल्स और शांत दुर्गा स्मैशर्स की टीम पहली गेंद पे आउट करके दुर्गा को लौटा दिया पवेलियन। खुश लग रहे यहाँ पे अनिल, क्लीन बोल, टप्पा खा के उड़ी नहीं गेंद और क्लीन बोल कर दिया। भावेश अनिल के आउट होने पे आ रहे हैं पवेलियन। अगले बल्लेबाज या मैच फाटल्यान 15 मिनटाचा ब्रेक असतो। जांबळेश्वर पॅन्थर्स तसेच कलंगूट स्ट्रायकर्स रेडी रावपाचे। अगली गेंद लेके आहे अनिल, बल्लेबाज है सामने भावेश, 20 रन की जरूरत यहां पे जीतने के लिए। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, पिछले ओवर परेश की जिन्होंने मैच अपने खेमे में लाया था, एक झटका और केवल एक रन दिया था अपने ओवर में, तीसरे ओवर में। और एक गेंद अनिल की, शॉर्ट बॉल और स्क्वायर कट करके सीधे रघुवीर के हाथ में, इसी के साथ दो गेंदों में दो झटके। यहाँ पे रोमांचक मुकाबला हो रहा है, यहाँ पे काफी खुश लग रहा है यहाँ पे शांतनु का स्मैशेस का खेमा। दीपेश चेयर अप कर रहे अपने टीम को, उसी तरह प्रवीण मोरे भी है चेयर अप कर रहे, खुश लग रहे हैं यहाँ पे। भावेश आउट होके पवेलियन लौट रहे हैं नाखुश, पहली गेंद पे यहाँ पे उठा के मारना चाहते थे 6 रन के लिए स्क्वायर कट करके, लेकिन एज लग के सीधे थर्ड मैन के हाथ में आउट। अगले बल्लेबाज आ रहे हैं बाली, पूरा दारोमदार रहेगा मैच फिनिश करने के लिए उनके हाथ में। हैट्रिक पे है यहाँ पे अनिल, सीधे थमा दिया कैच रघुवीर के हाथ में, मौका नहीं छोड़ा उन्होंने, लपक लिया जैसे कि मैच लपक लेने वाले हैं। अगले बल्लेबाज आए हैं बाली, नॉन स्ट्राइक एंड पे है सिद्धेश, सामने है अनिल रेड डॉट फॉर्म में, हैट्रिक पे है यहां पे अगली गेंद। हैट्रिक से डॉट गेंद की थी, ऑप्शन के थोड़ी बार की थी, बाली ने हाथ नहीं खोला और डॉट गेंद। इसी के साथ तीन गेंदों में कोई रन नहीं अभी तक दिया है यहां पे अनिल ने, और दो झटके दिए यहां पे अर्पणा हिल्स को। अभी भी 20 रन की जरूरत है यहां पे जीतने के लिए 15 गेंदों में। रोमांचक हो रहा है यहां पे। इसी के साथ बाली ने स्टेप लेके यहां पे खेला सीधे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। जैसे कि मैं बोल रहा था एक्सपीरियंस यहां पे काम करता है, उसी तरह बाली ने स्टेप लेके अनिल को सीधे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, और केवल 14 रन की जरूरत यहां पे जीतने के लिए 14 गेंदों में। अभी तक भी पता नहीं चल रहा है किन से कौन से खेमे में ये मैच जा रहा है, लाइव वायर जैसे। और एक बार डॉट गेन,
ताली जिन्होंने दिखा दिया, दो छक्के लगा के यहाँ पे कि कितने मायने रखते हैं वारपोरा हिल्स के लिए। दो छक्के लगाए, पूरा फायदा अपना एक्सपीरियंस, फिनिशर का रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे। और केवल 12 गेंदों में 8 रन की जरूरत यहाँ पे जीतने के लिए वारपोरा हिल्स को। सेबी गेंदबाज, बल्लेबाज है सिद्धेश, 8 रन की जरूरत यहाँ पे जीतने के लिए। डॉट गेंद, पहली डॉट गेंद यहाँ पे सेबी की, 11 गेंदे 8 रन यहाँ पे जीतने के लिए। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कौन से साइड ये जा रहा है मैच, रोमांचक हो रहा है यहाँ पे मुकाबला कलंगुट स्मैशर्स वर्सेस वारपोरा हिल्स। टीम ओनर धीमी फेंकी हुई गेंद यहाँ पे सेबी की, एक रन निकाल के यहाँ पे बारी को स्ट्राइक पे लाए वहां पे सिद्धेश, 7 चाहिए जीतने के लिए। शॉर्ट बॉल सेबी की, डॉट गेंद, अभी भी 7 रनों की जरूरत यहां पे जीतने के लिए 9 गेंदों में। बाली है बल्लेबाज स्ट्राइक पे, गेंदबाज सेबी, और एक डॉट गेंद। और एक डॉट गेंद, सात गेंदे 7 रन से यहां पे काफी प्रेशर भरा मुकाबला, सभी लोग यहां पे उत्साह से देख रहे हैं ये मैच, वारपोरा हिल्स वर्सेस द शांतनगर स्मैशर्स। टीम ओनर भी है गेंद, इसका सेबी ने अपने ओवर में केवल 1 रन दिया यहां पे 5 गेंद। छह गेंदों में यहां पे 7 रन की जरूरत जीतने के लिए वारपोरा हिल्स को। रिटायर्ड आउट होके जा रहे हैं यहां पे बाली, 7 रन चाहिए जीतने के लिए 6 ओवर में, सॉरी कैट आउट, कॉट आउट हो गए बाली, कॉट कीपर, काफी अच्छी बॉलिंग वहां पे सेबी की, अपने ओवर में केवल 1 रन और 1 विकेट। बाली जिन्होंने पिछले ओवर में 2 छक्के लगाए थे उन्हीं को डॉट गेंद देखी और उन्हीं को पवेलियन भेज दिया वहां पे।
अर्पण हुई उसकी तरफ से। अगले बल्लेबाज आए हैं हनुमान। गेंदबाज आए साहिल। छह गेंदे सात रन यहां पे जीतने के लिए। गेंदबाज साहिल, बल्लेबाज सिद्धेश और नौ सेकंड पे है हनुमान। काफी एक्सपीरियंस क्रिकेटर है हनुमान, अभी उन्हीं के ऊपर दारोमदार रहेगा ये मैच जिताने के लिए। और उसी तरह सागर साहिल को डिफेंड करना पड़ेगा स्कोर। वो पिच गेंद कट कर दिया सीधे जितेश, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे कवर्स पे, जंप करके वहां पे बॉल को पकड़ा। उनके सर के ऊपर से चार रन जाने वाले थे, काफी अच्छी फील्डिंग सपोर्ट करें। यहां पे पांच गेंदे, यहां पे सात रन चाहिए जीतने के लिए। धीमी गेंद उठा दिया वहां पे सिद्धेश ने, सीधे उदय के हाथ में और आउट। वापस चार गेंदे सात रन, क्या रोमांचक मुकाबला हो रहा है यहां पे। हनुमान है अभी, चार गेंदे सात रन चाहिए जीतने के लिए। सिद्धेश आउट होके पहले लौट रहे हैं, लॉन्ग ऑफ के दिशा में खेला था, कोई मौका नहीं वहां पे। उदय ने काफी अच्छा कैच लपका, इसी के साथ सिद्धेश आउट। अगले बल्लेबाज हमारे एक्सपीरियंस बल्लेबाज कलंगुट से सारू। हनुमान आए हैं स्ट्राइक पे, चार गेंदे सात रन, नौ सेकंड पे है सारू। बॉलर साहिल, चार गेंदों में सात रन डिफेंड करना पड़ेगा अगर शांतनु का स्मैश उसके मैच जीतना है तो। रोमांचक यहां पे मुकाबला हो रहा है, उत्साह यही है सीपीएल का उत्साह यहां पे कलंगुट प्रीमियर लीग बाय सुपकड़ू। अगली गेंद, धीमी गेंद उठाया वहां पे हनुमान ने, इसी के साथ आउट। दो गेंदे दो झटके यहां पे साहिल ने दे दिए, क्या कैच पकड़ा वहां पे। क्या फील्डिंग का मुजाहरा दिखा रहे हैं वहां पे सेबी, दो कैच लपके वहां पे सेबी ने। इसी के साथ हनुमान भी आउट। तीन गेंदे सात रन चाहिए जीतने के लिए। अगले बल्लेबाज आए सकाराम, स्ट्राइक पे है सारू। तीन गेंदे सात रन चाहिए जीतने के लिए। साहिल जो है अभी हैट्रिक पे, दो गेंदों में दो झटके दिए यहां पे साहिल ने। और पहला भी गेंद भी डॉट डाला था, अभी तक एक रन भी नहीं दिया अपने पहले तीन गेंदों में। काफी मजा रहा है यह मुकाबला देखने के लिए। इसको बोलते हैं कलंगुट प्रीमियर लीग सीपीएल बाय सुपरक्रू। प्रेसिडेंट सीईओ काफी खुश लग रहे हैं सागर साकलकर मैच देखते हुए। अगली गेंद साहिल की धीमी फेंकी हुई गेंद, फुल टॉस सीधा उठाया वहां पे छह रन के लिए। क्या यहां पे खेल दिया सर्वेश ने, बिल्कुल कूल हेड रहते हुए फुल टॉस गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ साइड सिम के दिशा के बाहर, छह रन। इसी के साथ केवल दो गेंदों में एक रन चाहिए जीतने के लिए।
सुपर ओवर की भी संभावना हो सकती है। यहाँ पे अभी तक दो गेंदे एक रन सर्वेश बल्लेबाज स्ट्राइक पे साई है गेंदबाज जिन्होंने अभी तक तो पैक ओवर निकाल दिया। एक लूज गेंद उसका पूरा फायदा उठाया सर्वेश ने। डॉट गेंद यहाँ पे एक गेंद एक रन यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए सर्वेश बल्लेबाज। फुल हाउस एट बोर्ड का वाड़ा चेयर देख रहे हैं यहाँ पे दोनों गेमों में। यहाँ पे अरपोरा हिल्स के डगआउट में भी उसी तरह शांत हो गए। स्मैशर्स के डगआउट में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक गेंद में एक रन चाहिए साहिल। कलम स्मैशर्स की टीम ने अच्छा कमबैक किया था। पहले दो ओवर में 32 रन दिए थे और अभी तक चार ओवर में डिफेंड कर रहे हैं 20 रन से। यहाँ पे कलंगुट स्मैशर्स की टीम साहिल परेश सेबी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। एक गेंदों में एक रन चाहिए जीतने के लिए। शायद सुपर ओवर के भी संभावना हो सकती है। कुछ भी बोल नहीं है पा रहे हैं अभी तक हम लोग यहाँ पे इस मैच में। एक गेंद में एक रन जीतने के लिए अगली गेंद लेके आ रहे हैं साहिल बल्लेबाज सरूस। स्लो बॉल बाय का रन अतिरिक्त मिलते हैं उसी के साथ सर्विस ने दौड़ के एक रन कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ अरपोरा हिल्स जीत गई। क्या रोमांचक मुकाबला देखने को आया कलंगुट प्रीमियर लीग के अरपोरा हिल्स और शानदार मैचेस के बीच में। काफी मजा आया। इसी के साथ खुश हो रहे हैं वहां पे सारू